अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बदलिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के बाग लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। करा अरे भैया बहुत मजा आ रहा है, आइए ना। करण तुम डूब जाओगे। करण भैया बाहर निकालो, मैं डूब रहा हूं भैया। करण संभालो अपने आप को, ये तुम्हारा भ्रम था बेटा। अतिक एक कार्तिक, आओ कार्तिक। क्या कर रहा था ये? संभाल अपने आप को कार्तिक। आज अगर कुछ हो जाता मैं क्या जवाब देता? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं कार्तिक। ऐसा कभी मत कर। घर में सब तुझे लेके परेशान है, चलो घर चलते हैं। घर में दूसरा अनर्थ मत होने दीजिएगा। कार्तिक जी को सही सलामत घर ले आइए। उन्हें कुछ हो गया तो इस घर में कई जाने चली जाएंगी।
चला गया तू। तू भी अपने दादा को सताने लगा। मैंने कुछ नहीं किया दादाजी। कुछ नहीं किया? अपने दादा को बगैर बताए नहीं गया तू? सॉरी, अपने बूढ़े दादा पे रहम का बेटा। इन बूढ़ी सांसों में अब और सदमे झेलने की ताकत नहीं है। बच्ची कुछ ही सांसें बहुत आराम से गुजारना चाहता हूं। वादा करो, वादा करके आज के बाद कभी तू कभी बगैर बताए घर से नहीं जाएगा। नहीं चलो। शाम बाद चाय बन गई जी। अच्छा वो क्रीम वाले बिस्किट देना साथ में, सुबह से बहुत भूख लगी है जी। बुआ जी, सुमन दीदी भी तो भूखी होंगी ना? तो मतलब भाजी उनको भी थोड़ा सा खाना देने दीजिए। खबरदार, जो सुमन को खाना देने की बात भी की तो उस मनहूस ने जो कर्म किए हैं उसकी सजा यही है कि वो भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाए। और तुम ना उससे हमदर्दी जताने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूं, चाय लेकर आ जाना। लेटी रहो, सारा काम मैं कर दूंगी। बुआ जी, हम घर की सफाई कर चुके हैं। जरा अपनी मन की सफाई करो। विधवा हो गई हो तो ये नहीं होता कि जाकर अपने पति के फोटो पर दो फूल चढ़ा दो, बुजुर्गों के आशीर्वाद ले लो। नहीं, पति के श्राद्ध को अभी दो दिन भी नहीं हुए कि यहाँ लेट कर सुहागन बनने के सपने देख रही हो। बुआ जी, क्या है, भूख लगी है? खाना है ये? हे बुआ जी, मटके में पानी खत्म हो गया। श्याम भैया के हाथों थोड़ा पानी भिजवा दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पानी भिजवा देती हूँ। या तो हम सबका खून निकाल कर वही भेज देती हूँ, वही पी लेना। वही चाहती हो ना तुम? तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना सुमन? तुमने समझ क्या रखा है? मैं घर की रसोई से पानी भिजवाऊंगी तो घर की रसोई अपवित्र नहीं हो जाएगी? जहाँ पर कुआ है ना, किस लिए है? कुएं में से पानी निकाल कर पी लो, और अगर नहीं निकाल कर पी सकती ना तो कुएं में डूब मरो। यहाँ का पानी तो जानवर पीते हैं, बहुत मिट्टी है उस पानी में। तो मत पियो पानी। कोई मिन्नत करके तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ा ना कि पानी पी लो, पानी पी लो? पीना है तो पियो वो पानी, वरना मर जाओ। Thank you.
मेरा वश चलता तो जहर ही पिला देती इसे। नहीं नहीं नहीं, फिर तो एक ही बार में मर जाएगी ये। मजा तो इसे सता सता कर मारने में आ रहा है। मरे भी नहीं और जिए भी नहीं। मेरे करण को छीना है तूने, मेरे परिवार वालों की आंखों में आंसू दिया है तूने। तुझे तो मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। हेलो कार्तिक बेटा, पूजा करो। सुमन कहाँ है? उनको भी बुलवा लीजिए। ये दूसरा प्रसाद उन्हीं के लिए है। पंडित जी प्रसाद दे दीजिए, मैं भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं, इसको सुमन जी ही चढ़ाएंगे। दादी वाह, मैं जाके दीदी को बुला के लाता हूँ। ठीक है जा। सुमन दीदी, आज शाम भैया आपको पंडित जी ने पूजा के लिए बुलाया। आप चलिए, हम आते हैं। आओ बेटी, आ जाओ। ये लो अपने हाथों से। राम, ये क्या अनर्थ कर रही है ये लड़की? लाल फूल चढ़ा दिया। लाल फूल क्यों चढ़ाए सुमन? अब और कितना अनर्थ करवाना चाहती हो? माँ, सुमन को पता नहीं होगा। सब पता है इसे, जानबूझकर ये सब कर रही है। जी, हमें नहीं पता था कि ऐसे में लाल फूल नहीं चढ़ता है। माफ कर दीजिए करण जी को। लाल गुलाब बहुत पसंद थे, इसीलिए हमने ये फूल चढ़ाया। सुमन ने अनजाने में लाल फूल चढ़ा दिया था, और अनजाने में की हुई गलती को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। सुमन, अब आगे से लाल फूल मत चढ़ाना, ठीक है बेटा? जी पंडित जी,
अब सुमन का काम यहाँ खत्म हो गया ना? हाँ, बस यही प्रसाद चढ़ाना था। सुना नहीं महारानी, तुम्हारा काम यहाँ हो गया, अब जाओ वापस। तेरा दिन में से ज्यादा दिन तो हो गए, बाकी के दिन भी बीत जाएंगे। लिखा है कि जेठ की परछाई भी छोटे भाई की पत्नी पर नहीं पड़नी चाहिए, वर्जित है ये। लेकिन यहाँ तो छोटे भाई की पत्नी जेठ की बाहों में झूल रही है। जेठ की मर्यादा, श्राद्ध के नियम, सब कुछ टूट चुका है।